मास्क किधर है? समझो मेरे को कोविड पॉजिटिव आया। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। पहली एक चीज मैं बोल देता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एग्जाम्स नहीं होना चाहिए, मैं उसके साथ हूँ, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि हाँ, अभी तक हमारे पास कोई वैक्सीन आया नहीं है तो एग्जाम्स नहीं होना चाहिए, बट इतना ये भी सोचो कि अगर पोस्टपोन नहीं हुआ तो देना पड़ेगा एंट्रेंस, तो पढ़ाई स्टार्ट करो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि अगर पोस्टपोन हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा, उसकी वजह से आपका साल बर्बाद हो सकता है। तो ये मैसेज मैं सबको पहले बोल दूं, मैं सपोर्ट करता हूं कि भाई पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि वैक्सीन आया नहीं है, क्यों बच्चों की लाइफ रिस्क पे डालनी है, बट ये भी याद रखो कि नहीं हुआ तो एग्जाम देना पड़ेगा, आपका साल बर्बाद हो सकता है। तो पढ़ाई करते रहो, जो भी डिसीजन आएगा उसका इंतजार करो, ये मत आज पे बैठो कि पोस्टपोन हो ही जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो पढ़ाई जरूर करो, यही बोलना था। ये चीज़ के बारे में अब ज़्यादा नहीं बात करेंगे, जो भी डिसीजन होगा उसको रिस्पेक्ट करेंगे। बाकी का ब्लॉग जो है वो अपन कंटिन्यू करते हैं। आज बाहर जाने का टाइम है, एंड जैसे एक कमेंट आया था कि हार्पिक खरीदोगे उसका भी ब्लॉग करना, तो हार्पिक तो नहीं खरीदने जा रहे, बट बाहर जा रहे तो उसका ब्लॉग तो ज़रूर करेंगे, बिकॉज हफ्ते में एक ही दिन जाते हैं यार बाहर, उसके लिए ब्लॉग्स कम आ रहे हैं। एंड एक बहुत ही फनी चीज़ है जो एंड ऑफ द ब्लॉग में होगी, जो भाभी आप लोग को बताएगी, एक बहुत ही खतरनाक फनी स्टोरी है। बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, चलो। हाँ भाई, एक नया मास्क, कि वो वाला मास्क हमको बहुत जन ने बोला कि भाई आपका जो चिन है ये कवर नहीं हो रहा था, इसके लिए थोड़ा बदसूरत है दिखने वाला, ऐसा बतख के मुंह जैसा है, बट सेफ्टी भाई, सेफ्टी। एंड वही सेम चीज़, जब तक नहीं जाएगा तब तक हफ्ते में एक ही दिन बाहर निकलेंगे, जब काम होगा इन सारे काम वो एक ही दिन में करेंगे, तो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि फाड़ दिया तो ये जुगाड़ के साथ ही, बहुत दिन बाद अभी दिखते चालू होते हैं कि नहीं। ओ, एक ही बार में चालू होगी, तो चलो चलते। तो गणेश चतुर्थी तो है, तो गणेश जी के पंडाल भी तो लगे ही हुए हैं। अच्छा है भाई, रुक जा, जाने दे। तो भाई फोन आ गया अपने को, एक दूसरी चीज आ गई है काम पे, तो पहले वो कर दे। तो यही अभी आपको जाते हुए दिखाए थे, ये अपन वापस आते हुए दिखा रहे हैं, अपने को राइट में काम है, तो राइट में जाते हैं अपन। इतने दिन बाद चल रहे हैं रोड पे भाई, वेदर देख लो यार, इतना मस्त वेदर कैसे हो सकता है भाई। अभी थोड़ी देर पहले बहुत जोर से बारिश हुई है ना, अभी देख लो, मस्त, क्या बात है यार, मजा आ गया। चलो ये एक बात तो है कि ऑलमोस्ट 80-85% लोग जो है वो मास्क पहन के घूम रहे हैं, एंड वो एक अच्छा चीज है। वाह अंकल, मस्त लगाया मास्क, दिखाने के लिए सिर्फ की मास्क है, 2000 रुपया फाइन है अगर मास्क नहीं पहना है दिखोगे तो। बहुत सारे लोग जो है वो मास्क पहनते हैं, लेकिन वही चीन सपोर्ट, मास्क थोड़ी है वो मुंह के लिए थोड़ी है, वो चीन के लिए। ओके, अंकल ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, वो खुद भी नहीं जा पाएंगे, हमको भी नहीं जाने। अरे वाह, पीछे हो गए, ये देखो ये जो लाइन है ना, इसके पहले रुकना। हाँ, दवाई देना नोबल काम है, अच्छा ही है, केमिस्ट नहीं होता भाई, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट, छोड़ो यार ये बहुत पुराना जोक है, लेकिन केमिस्ट नहीं होता, फार्मेसी होता है भाई। देखो हरा में निकल रहे हो, हाँ सिग्नल तोड़ा है, इसके अंदर लेके जाएंगे सामान। ये आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ पे, मुंबई में ही हो, एक वर्कशॉप का एरिया वहाँ पे। सामान गाड़ी में, थोड़ा पेट्रोल कम है, पेट्रोल भरा लेते, सामने ही पेट्रोल पंप है, पेट्रोल भरा लेते। चलो भाई,
पाँच तोला भरवाते हैं, पाँच तोला पेट्रोल। 88 मास्क किधर है? क्या नहीं मास्क जाने दो, आप तो दोगे सबको, बाकी लोगों को भी फैलाओगे। अभी तो 70,000 हो रहे हैं ना, देखो इधर देखो, देख लो इधर। कब सीखेंगे यार, हम लोग को अभी भी नहीं समझ आ रहा। पीछे ही मेरे को रास्ता रुकाना पड़ा एक एम्बुलेंस को साइड दिलवाने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट मैंने बीच में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट कब सुधरेंगे हम लोग मेरे को नहीं समझ में आता। तुमको इतनी क्या जल्दी है यार, एम्बुलेंस को तुमसे ज़्यादा जल्दी है यार, किसी की जान है। कितने बार मैं बोल रहा हूँ, मेरे को रास्ते में के बीच में अपना स्कूटर मैंने किया, एक साइड का ट्रैफिक फुल रुकाया, दो तीन जन ने और सपोर्ट किया, उसके वजह से क्या हुआ कि वो एम्बुलेंस को जाने को जगह मिली, वरना वो वहीं रहता इतने देर तक। यार हम लोग कब समझेंगे क्या मतलब। और एक चीज़ है भाई, समझो मेरे को कोविड पॉजिटिव आया तो आपको मालूम है कि किसको पकड़ना है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसको मैंने मजाक मजाक में बोला, बट मास्क नहीं पहना था उसने। एंड देन उसका ये एटीट्यूड था कि हो जाएगा तो देख लेंगे भाई, क्योंकि 6 महीने से मैं हो गया हूँ परेशान, अब मेरे से नहीं पहना जा रहा है मास्क। बाकी लोगों ने पहना था, उसने नहीं पहना था, एंड वो आप लोग ने देखा। ये देखो एक अलग अलग जंतु है, बोलो यार, एकदम रूल्स रेगुलेशन तो गए भाड़ में यार, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं। यार कोई टेंशन नहीं, हम भाई फॉलो करेंगे, हमको जो सही लगता है हम वो करेंगे। कैमरा एक ऐसी चीज़ है ना, बहुत सही चीज़ है, अगर लोग अपने दिमाग में कैमरा फिट कर लेना तो बहुत सारे लोग जो गलत करना चाहते हैं वो कैमरे के डर से नहीं करते गलत। जैसे वो बंदे को जैसे मैंने पूछा मास्क किधर है, उसको समझ में आ गया कि गलत कर रहा हूँ, मुँह छुपा लिया उसने। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, अगर आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो ना, तो बहुत सारे लोग अपने आप को सही करते हैं, वो सोचते नहीं है, वो सोचने लगते हैं कि अरे यार रिकॉर्ड हो रहा है, गलत करूँगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, एक प्रूफ बन जाएगा उसके लिए ना। तो दिमाग में अपने सोचो ना कि कैमरा बिठा लेते हैं, लोगों के सोचेंगे कि हाँ इसके दिमाग में कैमरा, ये रिकॉर्ड कर रहा है तो गलत नहीं करेगा कोई, हो सकेगा तो सुधर जाए। मैं कोई दुनिया बदलने देश बदलने नहीं आया हूँ, बट एक थॉट है जो आप लोग को बोल रहा हूँ कि सोचो कि सामने वाले के दिमाग में कैमरा है, वो आपको रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली जो गलत कर रहे हो ना वो गलत नहीं करो। बहुत प्रवचन दे दिया, चुपचाप घर पे जाता हूँ। भाई बाहर से आए हैं, फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि चेंज कर लो जो भी कपड़े पहने हैं, ना धो के आराम से बैठ जाओ। ओके हाँ, लाइट चालू कर दिया ताकि फ्रेम अच्छा हो। तो आभा से मैंने पूछा कि जो फनी स्टोरी है आपकी 10th स्टैंडर्ड वाली, वो क्या आप ये व्लॉग में बताओगी? तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है, वो एंथुजियाज्म एंड वो मजाक के मूड में मैं नहीं बता पाऊंगी, तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो सिर्फ ये स्टोरी जो है वो करना। बहुत ही ज़्यादा फनी, आप लोग भी सुन के बहुत ज़्यादा हंसोगे। तो यही था कि स्टूडेंट्स के बारे में बात कर दिया, एम्बुलेंस के बारे में बात कर दिया, तो ये कैसा लगा ये ज़रूर कॉमेंट करके बताइए। मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड 80% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर दो, नंबर्स बढ़ते हैं ना तो मोटिवेशन आता है कि हाँ चल लोग देखना चाहते हैं। लाइव पे भी आता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि लाइक कर दिया करो एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, इसी चीज़ के भूखे हैं यार हम लोग, प्लीज़ कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो पहुँच सके, मेरे व्लॉग्स पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोग जुड़ सके तो कम्युनिटी अपनी बढ़ेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर ज़रूर करो, शेयर करने से भी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, जो नहीं जानते अपने दोस्तों में शेयर करो। एंड यही सारी जो चीज़ें मैंने व्लॉग के अंदर बताइए, ये चीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट करो कि कौन सा पार्ट जो मैंने कहा वो आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए जय हिंद। क्या बात है, कोरोना है क्या? अच्छा नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है।